बाजारीकरण के आज के दौर में हर कोई तेजी से अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए परेशान है। कंपनियां तरह तरह के हथकंडे अपना कर ग्राहकों को अट्रैक्ट करने में जुटी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राहक भी बड़े बड़े विज्ञापनों में आकर अक्सर ये भूल जाते हैं कि बाजार में बिकने वाले प्रोडक्ट उनमें हानिकारक क्या है और लाभदायक क्या है। यही वजह है कि हाल ही में देश की बड़ी कंपनियों में शामिल जॉनसन एंड जॉनसन के कुछ प्रोडक्ट के जांच के दौरान यह बातें सामने आई है कि इनके प्रोडक्ट निश्चित तौर पर हानिकारक हैं और बच्चों के साथ उनकी माओ के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। हालांकि इस जांच के बाद कंपनी बैकफुट पर आती दिख रही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या इन प्रोडक्ट में मिलाए जाने वाली चीजें पब्लिक को नुकसान पहुंचाती हैं या फायदा। इन बातों की पड़ताल की वाराणसी से हमने। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो खास करके भारत की जब बात करें तो यहाँ कई टॉक्सिसिटीज के मानक तय नहीं है, इसलिए और दिक्कतें हैं। ऑयल्स में क्या है कि एक बड़ा गंभीर विषय भारत में है कि जिस पर पिछले कम से कम 6-7 सालों से मैं कहता आ रहा हूँ कि ऑयल्स में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें भारत में मानक तय नहीं है। इसलिए क्या होता है कि लोग अपना तेल बेचने के लिए तरह तरह के ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं जो अभी तुरंत के लिए अच्छा लगे। कुछ प्रोडक्ट्स में लोग ने एस्बेस्टस पाए हैं, कुछ में बिस्फिनॉल पाया है, खास करके जो प्लास्टिक बॉटल्स में जो तेल होते हैं या इवन प्लास्टिक बॉटल्स में जो बच्चों के टिफिन होते हैं उसमें भी जो बिस्फिनॉल होते हैं, तो बिस्फिनॉल टॉक्सिसिटी ये नर्वस सिस्टम पर सीधे इफेक्ट करता है। फिर जब बात करेंगे हम कैंसर की, ये हम बात करेंगे लंग डिजीज की, हृदय रोग की, तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ये ऐसे टॉक्सिकोजेनिक चीजें हैं जिसके ऊपर रोक लगनी जरूरी है। अब कुछ तो जॉनसन से कोई बात तो है ऐसी, क्योंकि जितने भी डॉक्टर बनारस में हैं, पहले हम सपोज करिए 100 डॉक्टर अगर लिखते रहे तो 100 में आज 2 डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखते या प्रिस्क्राइब नहीं करते कि आप जॉनसन का लीजिए। 98% डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आप हिमालय का लीजिए प्रोडक्ट, हिमालय का प्रोडक्ट सही है। जॉनसन में कुछ कमियां पाई गई हैं, पेपर्स में भी आया, डॉक्टरों ने भी पाया, इस वजह से उसको बंद कर दिया।